बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, मेरे पास कुछ सी शेल्स थी जो कि हम सीवीओ गए थे तो बच्चों ने वहाँ से कलेक्ट की थी। ये मिरर है, आज मैं इसे अपने इस मिरर को डेकोरेट कर रही हूँ। और ये देखिए, ये सिलिकॉन है, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त मतलब काम करेगा। वैसे तो हम हॉट ग्लू गन से भी कर सकते हैं, लेकिन वो टेम्प्रेरी है, ये परमानेंट है। ये बड़े शी सेल्स हैं, इसके हम साइड्स में लगाएंगे, ठीक है। इसके चारों तरफ, इसके सराउंडिंग में सही से ये सिलिकॉन को हम लगाएंगे। ये देख रहे हैं आप, अच्छे से लगाना है ताकि ये सही से जाके अपना काम करे, चिपक जाइए। ये देखिए, इसके कॉर्नर्स बना रही हूँ मैं। जितनी बड़ी भी शेल्स हैं, इससे मैं इसके कॉर्नर्स पहले बनाऊंगी, ताकि ये देखिए सारे कॉर्नर्स हमने इसी से बना लिए, ताकि ये जो बड़े शेल्स हैं ये अच्छा स्पेस ले लेगा, तो फिर इतनी ज़्यादा हमें शेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए आप, हमने इसके अब ये जितनी छोटे छोटे शेल्स थे उसे हमने कलेक्ट किया, और उसके बाद इसके साइड्स में देख ली इस तरह से हमने लगाया। ये देखिए, मेरे बच्चों ने भी मेरे साथ बहुत हेल्प की है, ये अकेले का काम बिल्कुल नहीं था। ये देखिए आप, इस तरह से हमने बड़े शेल्स को लगाने के बाद जो स्पेस बचा वहाँ पे हमने ये सारे छोटे छोटे शेल्स को हमने इस तरह कलेक्ट किया है, फिर उसे इसके साइड्स में लगाए हैं। ये देखिए आप, ये हमने लगा लिया। ये देखिए कितना खूबसूरत लुक दे रहा है। अभी ये तैयार हो गया, ये देखें आप। अभी इसे हम और मज़ीद डेकोरेट करेंगे ताकि इसका लुक और भी प्यारा आए और कलरफुल भी लगे। वैसे ये ख़ुद कलरफुल है, आप देख लें, सारी ये जिस शेल्स हैं ये सब रियल है, ओरिजिनल है। ये सीवीओ से कलेक्ट की हुई है, बच्चों ने कलेक्ट की हुई थी, ये मेरे घर पे रखी हुई थी। मैंने कहा लाओ अब मैं इसी से आज मेरा डेकोरेट करती हूँ। ये आइडिया भी मैंने यूट्यूब से ही देखा है, थैंक यू यूट्यूब चैनल। ये देखिए, ये पर्ल्स की मोती जो मेरे पास अवेलेबल थी इस वक्त, इसे मैं इस तरह से सिलिकॉन लगा करके इसमें और इसके सेंटर में इस तरह से लगाई, ताकि ये बहुत अच्छा लुक आएगा ना। छोटे छोटे सेल्स हैं, पहले बड़े में लगाया, फिर मैंने दरमियान में छोटे छोटे सेल्स में भी लगा दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये बड़े शेल्स के अराउंडिंग में भी मैंने ये अलग से काम किया, ये छोटे छोटे शेल्स को लगा दिया ताकि और भरा भरा सा लुक लगे। ये देख रहे हैं आप, ये देखें, जिसकी वजह से मेरा मिरर और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पहले ये खाली था, बस कोई काम करो तो आइडियाज़ पे आइडिया आने लगता है। ये देखें आप, ये मेरा मिरर रेडी हो गया है और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप बताएं कि ये कैसा लगा आपको। और ये मेरे कमरे में बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है, मेरे बेटे का कमरा है ये। ये देखिए आप, देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये मेरा पहला वीडियो है, ठीक है, ये मेरा पहला वीडियो है, और आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और इसे शेयर करें लाजमी, ताकि फिर मेरा भी कॉन्फिडेंट बढ़े।